तो दोस्तों किसी भी वीडियो पर व्यूज़ आने का जो मेन रीज़न है वो है उसका थंबनेल। कोई भी पर्सन किसी भी वीडियोस को तभी देखता है जब उसका थंबनेल काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव हो या क्लिकेबल हो, तो उसके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आपको देखने को मिलते हैं। और देखिए ये एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, आप सभी लोग जानते हैं, अगर हम भी कोई वीडियो देखते हैं तो सबसे पहले उसका थंबनेल ही हमें दिखता है और हम उस थंबनेल को देखकर ही हम उस वीडियो को विजिट करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो है थंबनेल, कि आपका थंबनेल काफ़ी ज़्यादा जो है वो अट्रैक्टिव होना ज़रूरी है और क्लिकेबल ज़रूर होना चाहिए, ताकि कोई भी पर्सन अगर आपके वीडियो को देखे तो उस पर क्लिक करके आपके वीडियो तक ज़रूर पहुँचे। तो आई होप सो आज हम जानने वाले हैं कि मोबाइल के ज़रिए हम किस तरीके से एक अट्रैक्टिव जो थंबनेल है वो बना सकते हैं अपने वीडियोज़ के लिए, और किस तरीके से अपने YouTube चैनल को ग्रो कर सकते हैं। जस्ट एक थंबनेल ही आपके व्यूज़ का मेन सोर्स होने वाला है, क्योंकि वीडियोज़ का जो पहले जो पार्ट है वो थंबनेल का ही है। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया तो इट मीन्स आपके व्यूज़ आना कन्फर्म है। तो आज हम सिर्फ एंड्रॉयड यूज़र के लिए जानेंगे कि जो लोग बिगनर्स हैं जिनके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है, वो लोग किस तरीके से सिर्फ जस्ट मोबाइल के ज़रिए ही एक अट्रैक्टिव जो थंबनेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे जितने वीडियोज़ हैं उन सभी पे जो थंबनेल हैं वो सारे मोबाइल से क्रिएट किए गए हैं। तो किस तरीके से किए गए हैं चलिए हम जान लेते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर। यहाँ पर हम आ गए हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर दो एप्लीकेशन को हम यूज़ लेने वाले हैं। पहली जो एप्लीकेशन है बैकग्राउंड इरेजर, जिससे कि हम अपने जो इमेज हैं उनके जो बैकग्राउंड्स हैं उनको इरेज करेंगे और थंबनेल में यूज़ लेंगे। और दूसरी जो हमारी एप्लीकेशन है उसका नाम है थंबनेल मेकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ओपन कर रहा हूँ ब्राउज जो बैकग्राउंड इरेजर है उसको, और यहाँ पर देखिए लोड इमेज का ऑप्शन हमें मिला हुआ है, तो हम यहाँ पर लोड इमेज करते हैं। और लोड इमेज करने के बाद में आपकी जो भी इमेज आप लगाना चाह रहे हैं वो आपको आपकी गैलरी के अंदर से यहाँ पर अपलोड कर लेनी है। तो जैसे कि मैं चलता हूँ अपनी गैलरी में, तो गैलरी में जाने के बाद में देखिए यहाँ पर मैंने कुछ इमेज सेलेक्ट कर रखी हैं जो मैं थंबनेल के अंदर यूज़ लेता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा, मान लीजिए आपकी कोई भी जो इमेज है वो आपको यूज़ लेनी, जैसे कि अगर मैं YouTube के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो बना रहा हूँ तो मेरे पास में मान लीजिए ये इमेज है, मैं चाहता हूँ इसका बैकग्राउंड इरेज करूँ और उसके बाद में इसको मैं यूज़ लूँ, तो जस्ट आपको कर देना। उसके बाद में यहाँ पे देखिए आपको ऑटो मैजिक मैनुअल का ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपका बैकग्राउंड बिल्कुल एक कलर में है और ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है तो आप ऑटो कर दीजिए। ऑटो पे क्लिक करके जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपका बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली इरेज हो जाएगा। जहाँ से भी आपको क्लिक करना है तो वहाँ पर ले जा करके इसे क्लिक कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो ईजिली यहाँ से हट गया है। तो यहाँ पे देखिए तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इरेज हो चुका है। उसके बाद में आप मैजिक करके अगर कोई बाय चांस पीछे का रह जाता है या फिर जो बाउंड्रीज रह जाती है उनको आप यहाँ से कर सकते हैं इरेज। तो यहाँ पे अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं। इसके अलावा हम आगे के जो वीडियोज़ हैं उनमें जानेंगे कि हम कौन सी वेबसाइटों के यूज से बैकग्राउंड जो है उसको ईजिली काफ़ी ही अच्छे तरीके से हम इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बैकग्राउंड है वो बेसिकली कर दिया क्लियर। उसके बाद में इसको डन कर देते हैं। इसके बाद में ये देखिए इसके अंदर जो ऑप्शन है स्मूथ के, वो अगर आप क्लिक करते हैं तो जो बाउंड्रीज थी वो यहाँ पर इरेज हो गई हैं। तो यहाँ पर मैंने बाउंड्री इरेज करके इसको कर दिया सेव। तो ये जो हमारी इमेज है वो सेव हो चुकी है और इसको फिनिश कर देते हैं। अब चलते हैं हम दूसरी एप्लीकेशन, अब बात करते हैं हम अपने थंबनेल की। तो थंबनेल के लिए हमें जाना है थंबनेल मेकर के अंदर। यहाँ पर आप जैसे ही जाते हैं तो थंबनेल मेकर के अंदर आपको अलग अलग बैनर मिल जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। ये एप्लीकेशन वाकई में जो यूट्यूबर्स हैं बिगनर्स हैं जो थंबनेल बनाना चाहते हैं अपने मोबाइल से उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेटर है। तो टेक इट ए लिटल बिट टाइम, थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है इसी वजह से ये एप्लीकेशन थोड़ा सा टाइम यहाँ पर लगा रही है, तो इसका हम वेट कर लेते हैं। तब तक मैं बता दूं कि जो लोग YouTube पर अभी अभी आए हैं उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि YouTube के अंदर आने का कोई प्रॉफिट नहीं है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं। तो उनका रीज़न यही है कि वो लोग नहीं चाहते कि आप लोग उनके कंपटीशन में आएँ या फिर आप लोग अपना कैरियर स्टार्ट करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो थंबनेल मेकर जो ऐप है वो ऑन हो चुका है। और यहाँ पर अच्छी चीज़ें ये हैं कि यहाँ पे ऑटोमेटिक आपको पहले से ही बहुत सारी थंबनेल मिल जाते हैं जिनका यूज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया अट्रैक्टिव जो थंबनेल है वो मिले हुए हैं, फैशन के रिगार्डिंग या फिर न्यू टेम्पलेट्स जो आए हुए हैं। तो यहाँ पर आपकी ये प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाती है कि आपको बैकग्राउंड नहीं मिल रहा या अच्छा खासा थंबनेल नहीं मिल रहा, तो आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हर तरह के थंबनेल मिलेंगे। अगर आपके पास में रियल इस्टेट का कोई भी मान लीजिए चैनल है या ई कॉमर्स का चैनल है
या फिर फिटनेस के रिगार्डिंग है, तो सब तरह के थंबनेल आपको यहाँ पे मिल रहे हैं, बैनर मिल रहे हैं। तो आई होप ये काफ़ी बेटर है एक न्यू यूट्यूबर के लिए। अदरवाइज़ हम कस्टम जो है वो क्रिएट करने वाले हैं। देखिए फोटोग्राफी के रिगार्डिंग अगर आपका चैनल है, फनी है, म्यूजिक के रिगार्डिंग, गेम, फूड, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिले हुए हैं। बट अभी हम बात करें कस्टम की, तो यहाँ पे जस्ट हमें क्रिएट पे क्लिक करना है। तो जैसे ही हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे एक अच्छी चीज़ ये कि आपको ऑटोमेटिक साइज जो है वो मिल जाती है यहाँ पर, चाहे वो यूट्यूब की हो, फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो, सभी की। तो यहाँ पे देखिए साइज दी गई है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यूट्यूब की, यहाँ पे देखिए यूट्यूब कवर, थंबनेल और टैबलेट डिस्प्ले जो है, तीन ऑप्शन हमें शो कर रहा है। हमें अभी क्रिएट करना है थंबनेल। इसके अलावा यहाँ पर आप कवर भी जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं और टैबलेट डिस्प्ले वो भी। तो अभी चलिए चलते हैं हम थंबनेल में। थंबनेल में जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे हमें बहुत सारे जो टेम्पलेट्स हैं वो मिले हुए हैं। आपकी इमेज का जो भी बैकग्राउंड आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। अगर आप खुद का, अगर आपके पास में खुद का है, तो आप यहाँ पे गैलरी में जा सकते हैं। देखिए ऊपर आपको गैलरी कलर का ऑप्शन मिला हुआ, वो भी आप चूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं रैंडम यूज़ ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से इस बैकग्राउंड को यूज़ लिया। तो ये हमारा बैकग्राउंड यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद में अब बात बचती है कि हमारी इमेज और टेक्स्ट को लेकर के। तो इमेज के लिए देखिए यहाँ पे नीचे इमेज का ऑप्शन हमें शो हो रहा है। इमेज पे जैसे ही क्लिक करते हैं, तो यूज़ गैलरी का ऑप्शन हमें मिल गया। और इसके अंदर जैसे ही हम गैलरी के अंदर जाते हैं, तो देखिए अभी अभी हमने जो इमेज इरेज की थी वो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये इमेज हमने इरेज की थी, तो जस्ट प्लस करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इमेज आ गई। इसका साइज़ वगैरह जो भी चीज़ें आप मेंटेन करना चाहें कर सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दी। ये इमेज ज़्यादा हाई डेफिनेशन में नहीं है, इसलिए ये थोड़ी सी साफ़ नहीं है, लेकिन आप जितनी बेटर इमेज लेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पर इमेज आपकी जो भी इमेज होंगी वो आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं, लगा सकते हैं। इमेज होने के बाद में अब बात आती है टेक्स्ट की। टेक्स्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपके पास में। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है। जैसे ही आप टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट जो है वो राइट करना है। जैसे कि हम यहाँ पे टेक्स्ट राइट कर रहे हैं, हाउ टू मेक मनी। तो यहाँ पे हाउ टू मेक मनी का हमने जो टेक्स्ट है वो डाला। अब इसकी साइज जो है आप अपने हिसाब से सेट करें। तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर सेट। तो ये जैसे हो गया, यहाँ पर ये हमारा टेक्स्ट आ चुका है। इसके बाद में देखिए ये ऑप्शन मिले हैं आपके पास में, फॉन्ट कलर, इसके अलावा बैकग्राउंड, आउटलाइन। तो सबसे पहले बैकग्राउंड में इसका चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये रेड कलर में आए, तो बैकग्राउंड यहाँ पे चेंज हो चुका है। उसके बाद में मैं चाहता हूँ इसका कलर जो है वो वाइट हो, तो कलर जो है वाइट हो गया। उसके बाद में फॉन्ट टाइप्स आपको मिल रहे हैं, तो जैसे भी आपको फॉन्ट बेटर लगे वो आप फॉन्ट कीजिए। इसके कंट्रोल्स हैं आपको किस टाइप से ये क्रिएट करना है, मतलब यहाँ पर आपको सारे ऑप्शन मिले हुए हैं। शैडो अगर आपको दिखाना है तो शैडो आप दिखा सकते हैं। आउटलाइंस करनी है आपको तो जस्ट आउटलाइंस कर सकते हैं। देखिए आउटलाइंस जैसे आप क्लिक करते हैं आउटलाइंस पे, तो यहाँ पे आउटलाइंस जो है वो भी आ गई। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी बढ़िया जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसके अलावा आप दूसरा टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं, फिर से टेक्स्ट पे क्लिक कीजिए और फिर से डाल दीजिए। तो यहाँ पर मैंने फिर से डाल दिया। तो हमारा जो टाइटल था यूट्यूब का वीडियो का, वो हमने डाल दिया कि हाउ टू मेक मनी विद यूट्यूब। उसके बाद मैं इसका बैकग्राउंड मैं चाहता हूँ कि वाइट हो, और इसके जो कलर हैं वो मैं चाहता हूँ रेड हो, या फिर जो भी कलर आप चाहते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपको मिला। इसी तरीके से आप अपना बहुत ही ईजीली काफ़ी खूबसूरत जो यूट्यूब के लिए वीडियोज के लिए जो थंबनेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड इमेज चलिए ये अच्छी नहीं लग रही तो हम चेंज कर देते हैं। ये चीज़ें आप चेंज करके काफ़ी अच्छा खूबसूरत जो है वो बना सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने भी बहुत सारे जितने भी थंबनेल हैं अब तक के, मैंने सारे थंबनेल यहीं पर बनाए। तो मैं अपनी ही कोई इमेज यहाँ पे यूज़ ले लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप साइज़ वाइज जो भी चीज़ चेंज करना चाहते हैं वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अपनी जो इमेज है वो हम यहाँ पे लगा देते हैं। यहाँ पे देखिए हमारी इमेज सेट हो गई। उसके बाद में यहाँ पर आपके जो टेक्स्ट है वो सेट हो गए। तो सारा कुछ सेट होने के बाद में जस्ट आपको कर देना है डाउनलोड का, ऊपर सेव का ऑप्शन है, डाउनलोड कीजिए यहाँ से। यहाँ पे ये देखिए ये जो हमारा थंबनेल था ये आराम से यहाँ पर हो चुका है सेव। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस टाइप का हमारा जो थंबनेल है वो शो होगा। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी खूबसूरत है। तो इसी तरीके से अगर आप देखें मेरे जितने भी बैकग्राउंड्स हैं, या फिर मैं आपको दिखाऊँ कि मेरे जो भी अब तक मैंने थंबनेल यूज़ लिए, वो सारे के सारे थंबनेल यहीं पर डिज़ाइन किए हुए। यहाँ देख सकते हैं काफ़ी खूबसूरत थंबनेल मैंने बनाए हुए थे।
तो इस तरीके से आप लोग भी जस्ट मोबाइल की मदद से अपने यूट्यूब चैनल के लिए काफ़ी ही अट्रैक्टिव जो थंबनेल है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बता दें।